मायापुरी न्यूज में आपका स्वागत है, मैं हूं छवि। आइए देखते हैं बॉलीवुड की खबरें फटाफट। फिल्म के सीक्वल में सलमान के साथ नजर आएंगी दिशा पटानी। बॉलीवुड एक्ट्रेस दिशा पटानी इन दिनों अपनी आने वाली फिल्म भारत में बिजी हैं। इस फिल्म में वो सलमान खान के साथ काम करते हुए नजर आएंगी। फिल्म भारत में दिशा का रोल छोटा लेकिन अहम होगा। सलमान खान के साथ ये उनकी पहली फिल्म है। फिल्म में दिशा हैरतअंगेज स्टंट करती हुई भी दिखाई देंगी। फिल्म इसी साल ईद के मौके पर रिलीज होगी। हाल ही में अब दिशा को लेकर एक और बड़ी खबर सामने आ रही है कि दिशा एक और फिल्म में सलमान खान के साथ नजर आने वाली है। दिशा और सलमान की जोड़ी जल्द ही एक और मेगा बजट फिल्म में नजर आने वाली है। दोनों जल्द ही एक साथ किक के सीक्वल किक 2 में नजर आएंगे। खबर है कि किक 2 की शूटिंग इस साल के अंत तक शुरू हो जाएगी। इस फिल्म में दिशा पटानी किस किरदार में नजर आएंगी इस बात का पता नहीं चला है, लेकिन जल्द ही इस फिल्म को लेकर बड़ी घोषणा होने वाली है। आलिया तो हो गई है राजी, पर इस साल रुकना होगा। पिछले साल अकेले बॉक्स ऑफिस से 100 करोड़ से अधिक का कलेक्शन करने वाली आलिया भट्ट की फिल्म इन दिनों फुल फॉर्म में है। उनकी फिल्म राजी ने पिछले साल कमाल का प्रदर्शन किया था और अब आलिया इस फिल्म के अगले भाग के लिए राजी हो गई हैं। खबर है कि आलिया भट्ट ने राजी के सीक्वल में काम करने के लिए दिलचस्पी दिखाई है। राजी साल 2008 में आई हरिंदर सिक्का की किताब कॉलिंग सहमत की कहानी पर आधारित रही। राजी कश्मीर की कॉलेज जाने वाली एक लड़की सहमत की कहानी है, जो पिता की अंतिम इच्छा को पूरा करने के लिए पाकिस्तानी सेना अधिकारी से शादी कर देशभक्ति के लिए जासूस बन जाती है। और फिर जब इंटेलिजेंस के लोग ये मान लेते हैं कि सहमत फंस गई है और उसे खत्म करना होगा, तब वो बड़ी ही सूझबूझ से बचकर निकल आती है। अब खबर है कि हरिंदर सिक्का ने अब अपने नॉवल कॉलिंग सहमत का दूसरा भाग लिखना शुरू कर दिया है। इसे रिमेम्बरिंग सहमत का नाम दिया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक राजी का दूसरा भाग जासूसी पर नहीं होगा, बल्कि उस सहमत की आगे की जिंदगी पर होगा जब वो पाकिस्तान से लौटकर भारत आ जाती है। शाहरुख ने सारे जहां से अच्छा में काम करने से किया इनकार। बॉलीवुड में अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा के जीवन पर बन रही फिल्म सारे जहां से अच्छा की काफी समय से चर्चा चल रही थी, जिसके लिए पहले आमिर खान का नाम सामने आया था, लेकिन अपनी फिल्म महाभारत के बिजी शेड्यूल की वजह से उन्होंने इस फिल्म में काम करने से मना कर दिया था। लेकिन इसके बाद बायोपिक के लिए आमिर ने शाहरुख खान का नाम रेकमेंड किया था। फिर राकेश शर्मा के रोल में शाहरुख खान का चयन किया गया। शाहरुख खान भी अब इस फिल्म का हिस्सा नहीं है। जी हाँ, शाहरुख खान ने फिल्म से अपना नाम वापस ले लिया है। उन्होंने फरहान अख्तर की फिल्म डॉन 3 की वजह से ऐसा किया है। हाल ही में गली बॉय के ट्रेलर लॉन्च के दौरान फरहान अख्तर ने कहा था कि वो एक बड़ी अनाउंसमेंट कर सकते हैं। अब कयास लगाए जा रहे हैं कि घोषणा डॉन 3 से जुड़ी हुई हो सकती है। पहले ही रिपोर्ट्स में ये सामने आया था कि शाहरुख सितंबर 2018 में बायोपिक की शूटिंग शुरू कर देंगे। शाहरुख ने क्यों छोड़ी राकेश शर्मा की बायोपिक सारे जहां से अच्छा। जीरो, जब हैरी मेट सेजल, रईस और फैन जैसी लगातार फ्लॉप फिल्मों की मार झेल रहे शाहरुख खान अब किसी तरह का रिस्क लेने के मूड में नहीं है। अब वो फिल्मों और कहानियों को लेकर कोई नया प्रयोग नहीं करेंगे। खासतौर से जीरो के फ्लॉप होने के बाद शाहरुख फिल्म और कहानियों के चुनाव के मामले में फूंक फूंक कर कदम रख रहे हैं। यही वजह है कि अब शाहरुख ने स्पेस में जाने वाले भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा के जीवन की कहानी पर बेस्ड फिल्म सारे जहां से अच्छा से हाथ खींच लिए हैं। खबर है कि शाहरुख राकेश शर्मा की बायोपिक सारे जहां से अच्छा में काम नहीं करेंगे। उन्होंने इस फिल्म से खुद को अलग कर लिया है। वकील की भूमिका में नजर आएंगी रिचा चड्ढा, फैन से मांगा गुड लक। आने वाली फिल्म कोर्ट रूम ड्रामा सेक्शन 375 में अभिनेता अक्षय खन्ना के साथ पर्दे पर नजर आई अभिनेत्री रिचा चड्ढा ने कहा कि वो पर्दे पर पहली बार एक वकील की भूमिका निभाने के लिए एक्साइटेड है। रिचा ने कहा, मैं पर्दे पर पहली बार वकील का किरदार निभाने के लिए उत्साहित हूँ। मैं जिस किसी के साथ इस परियोजना पर काम कर रही हूँ उसकी बड़ी फैन रही हूँ। रिचा ने इंस्टाग्राम के माध्यम से फैंस को आग्रह किया है कि वो नई फिल्म की शुरुआत के लिए उन्हें शुभकामनाएं दें। उन्होंने फिल्म की टीम का गर्मजोशी से स्वागत करते हुए धन्यवाद दिया। अभिनेत्री ने सोमवार को सेक्शन 375 की शूटिंग शुरू की। इसके पहले शेड्यूल की शूटिंग यहां शुरू की जाएगी। अपने सह कलाकार अक्षय के बारे में उन्होंने कहा, मैं अक्षय खन्ना को एक अभिनेता के रूप में प्यार करती हूं। राजकुमार हिरानी सेक्सुअल हैरेसमेंट की खबर से परेशान बॉलीवुड एक्ट्रेस। बॉलीवुड के जाने माने निर्माता निर्देशक राजकुमार हिरानी पर उनकी एक महिला सहयोगी ने यौन उत्पीड़न का गंभीर आरोप लगाया है। उनके ऊपर उत्पीड़न के आरोप सामने आने के बाद एक बार फिर से मीटू पर चर्चा तेज हो गई है। लोग प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। पूजा भट्ट ने कहा, महिलाएं ट्विटर, फेसबुक या किसी अन्य सोशल मीडिया माध्यम पर अपनी आप बीती लिखने से अच्छा होगा पुलिस में शिकायत दर्ज करें, आरोपी पर कानूनी कार्रवाई करें। पूजा भट्ट ने यह भी कहा, समाज में अच्छे पुरुष भी हैं, लेकिन हर किसी को एक निगाह से देखना गलत है।
संजू में राजकुमार हिरानी के साथ काम करने वाली एक्ट्रेस दिया मिर्जा ने भी पूरे मामले पर प्रतिक्रिया दी है। एक बातचीत में उन्होंने कहा कि मैं हिरानी सर को 15 साल से जानती हूं, मैं उन्हें एक अच्छे इंसान के तौर पर जानती हूं। उन पर लगे आरोपों की खबर से मैं हिल गई हूं, इस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए। बताते चलें कि दिया मिर्जा ने संजू में मान्यता दत्त का किरदार निभाया था। पति पत्नी और वो के रीमेक में नजर आएंगे कार्तिक आर्यन। फिल्म प्यार का पंचनामा से बॉलीवुड में डेब्यू करने वाले कार्तिक आर्यन इन दिनों फिल्म इंडस्ट्री के फेवरेट बन गए हैं। उनकी फिल्म सोनू के टीटू की स्वीटी भी बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट रही थी। इसके बाद कार्तिक को एक साथ कई फिल्में ऑफर हुई हैं। साल 1978 में आई संजीव कुमार की सुपरहिट फिल्म पति पत्नी और वो का रीमेक बनने जा रहा है और इसमें कार्तिक आर्यन को लीड रोल के लिए कास्ट किया गया है। बता दें कि पहली फिल्म में संजीव कुमार के अलावा रंजीता, विद्या सिन्हा और ऋषि कपूर प्रमुख भूमिकाओं में थे। खबर है कि कार्तिक को इस फिल्म की स्क्रिप्ट काफी पसंद आई है और मेकर्स इसके प्लॉट से छेड़छाड़ नहीं करेंगे, केवल फिल्म को आजकल के माहौल जैसा बना दिया जाएगा। बताया जा रहा है कि इस फिल्म की शूटिंग फरवरी से शुरू हो सकती है, हालांकि अभी तक इस फिल्म की हीरोइनें फाइनल नहीं हुई हैं। बड़े पर्दे पर प्रिया प्रकाश वारियर बनने जा रही हैं श्रीदेवी। प्रिया प्रकाश इन दिनों एक हिंदी फिल्म की शूटिंग कर रही हैं। फिल्म का नाम है श्रीदेवी बंगलो। फिल्म में प्रिया एक सुपरस्टार अभिनेत्री श्रीदेवी की कहानी को पर्दे पर जी रही हैं। पिछले दिनों फिल्म का कुछ हिस्सा लंदन में शूट कर भारत लौटी हैं। रविवार की शाम मुंबई में फिल्म का टीजर लॉन्च किया गया। फिल्म का टीजर देखकर पता चलता है कि श्रीदेवी नाम की सुपरस्टार की मौत बाथटब में हो जाती है। फिल्म में प्रिया के अलावा अभिनेता प्रियांशु चटर्जी मुख्य भूमिका में नजर आएंगे। प्रिया कहती हैं, ये फिल्म श्रीदेवी पर बेस्ड है या नहीं ये आप लोग फिल्म देखने के बाद तय करें। मैं फिल्म में एक लेडी सुपरस्टार जिनका नाम श्रीदेवी है उनकी भूमिका निभा रही हूँ। मेरी पहली फिल्म ओरू अडार लव एक मलयालम भाषा में बनी फिल्म है। ये फिल्म अगले महीने 14 फरवरी को 4 भाषाओं मलयालम, तमिल, तेलुगु और कन्नड़ में एक साथ रिलीज होगी। शानदार है रणवीर सिंह की फिल्म गली बॉय का दूसरा गाना। रणवीर सिंह की अवेटेड फिल्म गली बॉय का दूसरा गाना रिलीज हो गया है। अपना टाइम आएगा टाइटल वाले गाने को रणवीर सिंह ने ही गाया है। गाने में रणवीर सिंह स्टेज पर रैप परफॉर्म करते नजर आते हैं। रैप में रणवीर को सुनना बेहद दिलचस्प है। रणवीर अपनी इस प्रतिभा से छा जाने को तैयार है। गाने में मशहूर रैपर एमिवे बनताई को भी देखा जा सकता है। एमिवे हाल ही में रैपर रफ्तार के साथ विवादों के चलते सुर्खियों में रहे हैं। एमिवे और रफ्तार ने एक दूसरे के खिलाफ रैप करते हुए अपनी भड़ास निकालने की कोशिश की थी। अपना टाइम आएगा में सिद्धार्थ चतुर्वेदी भी मौजूद है जो रणवीर को मोटिवेट करते दिखते हैं। सिद्धार्थ इससे पहले फरहान अख्तर के प्रोडक्शन में बनी वेब सीरीज में नजर आए थे। अपना टाइम आएगा गाने की फील और लिरिक्स असरदार हैं। राजकुमार हिरानी पर लगा आरोप, क्या रुक जाएगी मुन्ना भाई 3 की मेकिंग। फिल्म निर्देशक राजकुमार हिरानी पर उनकी एक क्रू मेंबर द्वारा मी टू के आरोप लगाए गए हैं। साल 2018 की फिल्म संजू की मेकिंग के दौरान एक महिला क्रू के साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट का मामला सामने आया है। राजकुमार हिरानी जिनकी अगली फिल्म मुन्ना भाई MBBS का तीसरा भाग जो कि जल्द ही फ्लोर पर जाने वाली थी उसे लेकर खबर है कि फिलहाल वो फ्लोर पर नहीं जा रही है। खबर है कि फॉक्स स्टार इंडिया ने निर्णय लिया है कि जब तक राजकुमार हिरानी पर लगे आरोप की पूरी तरह से जांच नहीं हो जाती है तब तक वो इस फिल्म को लेकर फ्लोर पर नहीं जाएंगे। फिलहाल फिल्म की मेकिंग को स्थगित किया गया है। वहीं सोनम कपूर की आने वाली फिल्म एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा कि पोस्टर से भी राजकुमार हिरानी का नाम सह निर्माता के रूप में हटाया गया है। मायापुरी न्यूज़ में इतना ही, कुछ देर में फिर हाजिर होंगे बॉलीवुड की तमाम अपडेट्स के साथ। देखते रहिए मायापुरी कट। बॉलीवुड की अपडेट्स और गॉसिप न्यूज के लिए मायापुरी कट सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे अपडेट्स जानने के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस करें।